हेलो गाइज, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूँ अशोक और हमारे ब्लॉग में स्वागत है आप सभी का। तो गाइज, आज हम शाम का टाइम था और ऐसे मूड ऑफ हो गया था, तो हम लोग सोचे थे थोड़ा घूम ले, तो इसके कारण से हमारे ये गवर्नमेंट शिवालय पोखरी है ना, उसमें आए हैं घूमने, जो हम और हमारा ये भाई सा है, ये भाई अंकुश और एक और भाई ऋतिक भाई। तो सोचे हम लोग घूम ले, और आप सभी को बता दो, बहुत दिनों के बाद हम ब्लॉग में आए हैं, तो क्या बोल रहे हैं देख। तो चलो हम दिखाते हैं आप लोगों का इस शिवालय पोखरी का नज़ारा, देख सकते हैं। आज देखते हैं टूर होने वाला है शिवालय पोखरी का। तो यहाँ अपना नेपाल का धंधा है, देख सकते हैं। आज अभी नाइट का व्यू ऐसा है गाइस, नाइट का दिन में एकदम बवाल लगता है। यहाँ बोटिंग भी होता है और सब कुछ होता है, तो कल हम लोग बोटिंग करके दिखाने वाले हैं। हाँ, बोटिंग करके दिखाएंगे। और देखो यहाँ के क्या लिखा है, जाता भाभी फोहोर नफालाऊ डस्टबिन को प्रयोग करो। तपाईहरु पनि यता आउनु होला नि, त डस्टबिन को प्रयोग गर्नु है। हाम्रो पनि एउटा सुझाव छ तपाईहरुसँग कि डस्टबिन को प्रयोग गर्नुस्। ल, यहाँ आएर भिडियो बनाएर मेरोमा मेन्सन गर्नु है, सबजना मेरोमा मेन्सन गर्नु कि म पनि गएको थिएँ हजुरको भिडियो हेरेर शिवालय पोखरीमा है। कितना खतरा सिन आ रहा है ना, गजब आ रहा है, बवाल आ रहा है। हमारा वीडियो कट रहा होगा तो आप लोग, थोड़ा बहुत तो गलती होवे करता है, हम लोग इंसान है, जानवर थोड़ी ना है, ऐसे रोबोट से गलती नहीं होता है भाई, उसमें जो सेट कर दो वही करेगा भाई। लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ, ये करना मत भूलना। हेलो के, तो चलो गाइज, हम लोग अब जा रहे हैं, तो अब छूटते हैं हम ब्लॉग से, तो विदा लेना चाहता है। आप लोग देख रहे हैं तो हमारा ये वीडियो लाइक करना ना भूलते, सब्सक्राइब भी करते।